शिमला में भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए काम किया है। हिमाचल को 59 राष्ट्रीय उच्च मार्ग स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे पचा नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं व श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में एक भी DPR नहीं बना पाई थी, जबकि 10 महीने में सरकार ने आते ही काम शुरू कर दिया है, जिसमें 58 DPR बन चुकी हैं और कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जिन्होंने कुछ नहीं किया, वे आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितने पैसे आए हैं। इस तरह के बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10 महीने में सरकार ने कई कार्य किए हैं, दृष्टि पत्र पर काम किया है और 10 माह में 40 वायदे पूरे करके दिखाए हैं। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर पलटवार किया और कहा कि वे आधारहीन बयानबाजी करके प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बंट चुकी है, नेतृत्व की जंग चल रही है और वीरभद्र के बाद कौन नेता होगा इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर प्रभारी रंजनी पाटिल के आने के बाद ज्यादा गुटबाजी है। कांग्रेस के नेता बैठकों तक सीमित रह गए हैं और कई बैठकों में भाग भी नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। वो जहां देश की लोकप्रिय मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस छोटे से कार्यकाल पर भी उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। हमारा मानना है कि हमारी केंद्र सरकार की 4.5 सालों की और प्रदेश सरकार की इन 10 महीनों की उपलब्धियां देखकर कांग्रेस पार्टी के नेता बौखलाए हैं, उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहे, इसलिए जनता के बीच सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास मीडिया के माध्यम से आधारहीन बयानबाजी करके कर रहे हैं। हमारी दोनों सरकारों का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के